नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ। अभी संपन्न हुए विधानसभा चुनावों की और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया ऑपोजिशन ब्लॉक के स्ट्रेटजी की। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि यह संसदीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि वोट प्रतिशत में भले बहुत थोड़ा बहुत का ही अंतर हो, लेकिन सीटों में बहुत भारी अंतर होता है और यह दिखता भी है, हर चुनाव में दिखता है। अभी जिस तरह से टीवी डिबेट्स चल रहे हैं, उसमें एक तरह से बहुत टीवी चैनल्स में ये नैरेटिव बनाने की बात हो रही है कि बम्पर जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की भयंकर हार हुई है। किसी को जीतना है, किसी को हारना है, लेकिन जो भी विश्लेषण होना चाहिए उस वो सच्चाई को सामने रखकर होना चाहिए। मैं सिर्फ ये बतलाना चाहूँगा कि राजस्थान में जो इस बार का रिजल्ट आया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर है 41.78, जबकि कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर है 39.52। डिफरेंस है सिर्फ 2.26% का। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का वोट शेयर है 46.35, जबकि कांग्रेस का है 42.13 और डिफरेंस है यहाँ 4.22। में बीजेपी का वोट शेयर है 48.73 और कांग्रेस का है 40.45, यहाँ थोड़ा ज़्यादा गैप है, 8.28% का अंतर है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर है 39.40 और बीआरएस का है 37.35, अंतर है 2.05। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 14% है। मिजोरम में ZPM का वोट शेयर है 37.86 और MNF मिजो नेशनल फ्रंट, जो अभी सत्ता में थी, उसका है 35.10 और अंतर है 2.76 का। यहाँ पर बीजेपी का वोट शेयर 5.06 है, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 20.82। कांग्रेस पार्टी को वस्तुतः मंथन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि शायद ज़्यादा आत्मविश्वास जो राज्य स्तर के जो छत्रप थे उनके कारण ही, जबकि एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, चाहे वो श्री भूपेश बघेल जी की सरकार हो या श्री अशोक गहलोत साहब की सरकार हो, लेकिन इसके बावजूद दोनों जगह कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। इसमें कोई तो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य नेताओं ने काफ़ी मेहनत की। यह बहुत अच्छी बात है कि जैसा पहले देखा जाता था कि कांग्रेस पार्टी पहले ही मैदान छोड़ देती थी, ऐसा इस बार नहीं देखा गया। अगर चुनाव से पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में थोड़ा बहुत 2-4-5 सीट एडजस्टमेंट की बात होती, जैसे कहीं पर समाजवादी पार्टी से, कहीं राष्ट्रीय लोकदल से, या जो आदिवासी समूह से संबंधित जो पार्टियां हैं उनके साथ, तो मुझे लगता है कि तस्वीर कुछ बदल सकती थी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। अब मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो अभी इंडिया ब्लॉक है, इसका फोकस अंततः होना ही चाहिए 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए SC, ST, OBC माइनॉरिटीज पर मेनली। चूंकि ऐसा देखा जा रहा है, चूंकि नैरेटिव जो मैं देख रहा हूं बहुत से टीवी डिबेट में, कि बार बार ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने बहुत जोर दिया कास्ट सेंसस पर, जिसके कारण जो अपर कास्ट है वो एक मुश्त बीजेपी के साथ चला गया। ये इस नैरेटिव में कोई दम नहीं। सच्चाई यह है कि वो राहुल गांधी जी कास्ट सेंसस का इशू उठाते या नहीं उठाते, लेकिन अपर कास्ट तो पहले से भी बीजेपी के साथ ही है।
हाँ एससी एसटी और माइनॉरिटीज के वोट इनको मिलते रहे, जो तेलंगाना में दिखा भी। और एससी एसटी वोटों में क्षरण हुआ है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो। जहाँ तक ओबीसी वोट का सवाल है, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा स्पष्ट रूप से कि शुरू से जो राजनीति रही है, खासकर आरक्षण के इशू पर, उस पर भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये हमेशा से निश्चित तौर पर ऐसी पार्टियां रही है जो आरक्षण के मामले में गोल मटोल ही अपना रुख अख्तियार करती रही हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी को अभी भी अन्य पिछड़ा वर्ग में खासकर पैठ बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। और इसमें मददगार हो सकते हैं ये इंडिया ब्लॉक। भले कुछ नेताओं ने कह दिया कि विधानसभा चुनाव के लिए ये इंडिया गठबंधन नहीं था, यह भी गलत चीज़ थी, ये कहना नहीं चाहिए था। और अगर थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाता तो मैं समझता हूँ कि इससे कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता था। अब लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों को, चाहे इंडिया गठबंधन की जो भी 28 पार्टियाँ, सभी को थोड़ा सा त्याग करने की भावना होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी चूंकि सबसे बड़ा दल है और इसका संगठन चूंकि पूरे देश में है, इसलिए उनको जरूर आगे रहना चाहिए, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में भी उन्हें जो क्षेत्रीय दल हैं जिनका काफ़ी अधिक प्रभाव है, चूंकि ये देखा गया है कि जहां सीधी लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की होती है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड हो जा रहा है। जबकि क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जब भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला होता है तो वहाँ क्षेत्रीय पार्टियाँ ही अपर हैंड लेकर निकलती रही हैं चुनाव में, जो दिखता भी है सभी राज्यों में। मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि आज के समय में भी, चाहे रिजल्ट छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान का जो भी हुआ हो, यदि कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा लचीला रुख अख्तियार करती और चुनाव प्रचार के लिए तो कुछ समझौता करती, 2-4-5 सीटों पर ही, 7 सीटों पर ही, लेकिन अगर श्री नीतीश कुमार, श्री लालू प्रसाद यादव, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, श्री अखिलेश यादव, श्री शरद पवार, श्री हेमंत सोरेन जैसे नेताओं का अगर एक एक कार्यक्रम भी इन राज्यों में अगर ले लिया जाता कांग्रेस पार्टी की ओर से, तो हो सकता था कि कुछ परिवर्तन निश्चित तौर पर इस रिजल्ट में हो सकता था। खैर, अब तो जो हो गया है उसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने 6 दिसंबर को, कल, बैठक बुलाई है इंडिया ब्लॉक की। इसमें हम लोग उम्मीद करें कि सभी पार्टियां उसमें भाग लेंगी, जबकि कुछ नेताओं के जो शब्द आ रहे हैं थोड़ा निश्चित तौर पर है, उनमें उनके मन में कुछ प्रतिक्रिया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र वे लोग निश्चित तौर पर इसमें भाग लेंगे। और मैं समझता हूँ कि कल की बैठक में इंडिया गठबंधन को सबसे पहला निर्णय तो लेना चाहिए कि एक संयोजक का चयन निश्चित तौर पर होना चाहिए, यदि आवश्यकता हो तो सह संयोजक भी बनाए जा सकते हैं क्षेत्रवार। और कुछ स्थानों पर तो दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच में संयुक्त बैठकें होनी चाहिए, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, भोपाल, चेन्नई और गुवाहाटी में, और इसकी तिथि कल ही अनाउंस होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं यह भी चाहूँगा, एक भारतीय नागरिक के रूप में और देश के लोकतंत्र के हित में, देश के हित में, कि 2024 का जो मुकाबला हो उसके मद्देनज़र सर्वसम्मति से सभी पार्टियां बैठकर प्रत्येक राज्यवार और यूनियन टेरिटरीज में सीटों का बंटवारा करें, ताकि प्रयास यही हो कि हर लोकसभा सीट पर डायरेक्ट मुकाबला हो एनडीए का और इंडिया गठबंधन का। साथ ही मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि एजेंडा जो लोकसभा चुनाव के लिए होना चाहिए, जिसको फिर इलेक्शन मैनिफेस्टो में परिवर्तित करने की बात हो, उसमें एजेंडा एकदम क्लियर होना चाहिए
कि जो कास्ट सेंसस और सर्वे पर स्पष्ट नीति होनी चाहिए। इससे घबराना नहीं चाहिए कि टीवी डिबेट में आ रहा है कि कास्ट सेंसस के कारण ओबीसी वोट, ऐसा नहीं होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब सोशल जस्टिस के लीडर्स, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड के हों, आरजेडी के हों, समाजवादी पार्टी के हों, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हों, डीएमके के हों, तो ऐसी जो भी पार्टियाँ वामपंथी पार्टियाँ हैं, जब ये मैदान में उतरेंगी प्रचार के लिए, तो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज में जोश आएगा। इसलिए कास्ट सेंसस या सर्वे जो बिहार के मॉडल पर हो, ये होना चाहिए, ताकि एकदम साइंटिफिक डाटा आ जाए सब कुछ का, आर्थिक दृष्टि भी उसमें स्पष्ट हो जाए, और इसमें होने के बाद तुरंत सभी जगह आरक्षण का संशोधन होना चाहिए। जो 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण है वो कंटिन्यू करे, और जो रेस्ट हो डाटा के अनुसार कि कम से कम 65-70% आरक्षण निश्चित तौर पर एससी एसटी और ओबीसी के बीच बटने की घोषणा करनी चाहिए, और डाटा के अनुसार चाहे जिस किसी भी जाति के जो भूमिहीन हो, आवासहीन लोग हों, उनके लिए एक राशि निर्धारित करने की घोषणा होनी चाहिए। बेरोजगारों के लिए भत्ता होनी चाहिए जब तक कि उनको नौकरी प्राप्त नहीं होती है, कुछ उम्र निर्धारित करते हुए। लड़की के जन्म पर एक मुफ्त राशि तय की जानी चाहिए जो एफडी के रूप में जमा हो, जो उनके बालिग होने के बाद उसकी निकासी हो। विधवाओं और वृद्धों के लिए जो पेंशन मिलते हैं उनकी राशि बढ़ाने की ज़रूरत है। किसानों के लिए हर माह कुछ कैश होना चाहिए ताकि वो किसी अच्छे से कर सकें, और फसल का जो एमएसपी हो, ये चीज़ बहुत पुरानी मांग है, इसीलिए उसको कानूनी जमा पहनाए जाने की घोषणा होनी चाहिए। सरकारी कर्मियों के लिए ओल्ड एज पेंशन की घोषणा होनी चाहिए, साथ ही पेट्रोल डीजल का दाम कम किए जाने की घोषणा होनी चाहिए कि यदि इंडिया ब्लॉक सत्ता में आता है। इसके अतिरिक्त गैस सिलेंडर जो घरेलू है, ताकि महिलाओं और परिवार को फ़ायदा हो, उसकी किसी भी स्थिति में 500 रुपये से ज़्यादा दर नहीं हो। सरकारी क्षेत्र का निजीकरण पर रोक लगाया जाएगा, और हर वर्ष जो पर्याप्त संख्या में सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की जाए, चाहे केंद्र सरकार में हो या राज्य सरकारों में हो, हर वर्ष नए आईआईटी एनआईटी आईआईएम एम्स जो उपयुक्त संख्या में हो, उसके खोलने की भी एक नीति निर्धारित होनी चाहिए। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस समय की मांग है, इस पर भी स्पष्ट नीति घोषणा होनी चाहिए, और जितनी भी संवैधानिक संस्थाएँ हैं उनकी स्वायत्तता की घोषणा की जानी चाहिए, और संविधान किसी भी हाल में बदला नहीं जाएगा, इसकी भी घोषणा होनी चाहिए, और इस देश का जो स्वरूप है धर्म निरपेक्ष, इसके प्रति दृढ़ता दिखलाई जानी चाहिए। और मैं और इसके अतिरिक्त जो अन्य विषय जो सभी दल बैठकर तय करें, उसको भी लिया जाना चाहिए। ये इंडिया ब्लॉक के हित में है, और इस देश के हित में है, और संसदीय लोकतंत्र के हित में है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।